दोस्तों नमस्कार प्रणाम जय छठी मैया दोस्तों, जो कि आज छठ का दूसरा दिन है, जो कि आज खरना बोलते हैं, जो कि आज मीठा खीर बनता है पूरे गांव को खिलाने के लिए प्रसाद के तौर पर बनता है। कल नहा खा था, क्योंकि नहा खा में चावल दाल सब्जी बना था और पांच प्रकार के सब्जी बनता है दोस्तों, जो कि आपको पिछले वीडियो में आप देखे होंगे और इस वीडियो में आप लोग को मीठा खीर दिखाते हैं दोस्तों कि आज खरना के दिन बनता है और पूरे गांव को खिलाया जाता है इस प्रसाद को, जो कि इस प्रसाद को बनाने में सारे लोग मिल करके बना रहे हैं प्रसाद को। चलिए आप लोग को प्रसाद बनते हुए दिखाते हैं, वीडियो में बने रहिए। अगर आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार नए आए हैं तो मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि खीर कैसे बन रहा है, किस तरह से बनता है और किस तरह के बर्तन में बनता है दोस्तों, क्योंकि ये भी महत्व रखता है कि दोस्तों किस तरह के बर्तन बनता है, जो खीर बनता है दोस्तों, क्योंकि कांसा के बर्तन में ही खीर बनता है, ना कि किसी और बर्तन में वो खीर बनाया जाता है। कांसा के बर्तन में ही सारा का सारा जितने भी खीर बनेगा दोस्तों, जितने प्रकार के खीर बनेगा वो सब कांसे के बर्तन में बनेगा और प्योर। और दोस्तों जो कि कांसे के बर्तन में बनता है खीर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों, क्योंकि पूरे ये प्रसाद है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। ऐसे अंदीना बनाकर खाइएगा दोस्तों, तो उसका टेस्ट और आज का टेस्ट में दोनों में आकाश और ज़मीन का फर्क हो जाता है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं खीर बनते हुए। आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़े बड़े हांडी में प्रसाद बन रहा है। एक हांडी में प्रसाद बनकर रेडी हो गया खीर और दूसरे हांडी चढ़ा हुआ है, उसमें भी खीर बनेगा, मीठा का खीर बनेगा, जो कि देसी मीठा है, गांव का जो मीठा होता है वो उसमें बनता है दोस्तों। अब देखिए नाप करके मीठा डाला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी लोगों को पसंद नहीं आता है। और एक साइड में काजू किशमिश बादाम डाला हुआ है और एक साइड में दूसरे साइड में मीठा डाला हुआ, दोनों को नाप करके देखिए नापी हो रहा है। नाप का डाला जाएगा हांडी में, उसे खौलाया जाएगा खीर बनाने के लिए। देखिए तौला गया है दोस्तों, अब तौलाने के बाद ये बड़े से हांडी में जो मीठा है, जिसे गुड़ बोलते हैं, वो डलाएगा। देखिए आज चढ़ाओ एक खीर बनकर, दूध का जो खीर है वो बनकर रेडी हो गया है और मीठा का बनने के बाकी है, जो कि वो भी हांडी चढ़ा हुआ है। अब देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी सुंदर तरीके से बनाया जा रहा है। ये जो प्रसाद बन रहा है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों ये प्रसाद। ये जो प्रसाद है छठ पूजा का, ये बहुत टेस्टी लग रहा था दोस्तों, क्योंकि पूरे गांव में ये प्रसाद बांटा जाएगा और घर घर बांटा जाएगा दोस्तों प्रसाद, ये छठी माई का, जो कि खरना आज है, आज खरना है तो इस वजह से पूरे गांव का प्रसाद खिलाना पड़ता है। इधर देखिए दोस्तों, जो कि गर्म हो गया है पानी, देखिए चावल डला रहा है खीर बनने के लिए मीठा में, देखिए, जो कि दोस्तों धीरे धीमी आंच पर धीरे धीरे पकता है दोस्तों, उसका टेस्ट ही कुछ अलग हो जाता है। देखिए चावल अभी डला रहा है इसमें फटका कर, जो कि दोस्तों चावल जो है शुद्ध चावल होता है, देसी चावल में बनाया जा रहा है, घर का चावल है, उसी में खीर बनाया जा रहा है। आप देख सकते जो कि चावल जो प्रसाद बन रहा है वो देखिए सारे का सारा बर्तन पीतल के बर्तन में खीर बनाया जा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं सारा का सारा बर्तन पीतल का है, उसी में खाना प्रसाद बनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसी में टेस्टी बनता है। और इधर देखिए एक चूल्हा पर चढ़ा हुआ है लिट्टी, आप देख सकते हैं लिट्टी बन रहा है, ये भी लिट्टी प्रसाद में ही मिलता है दोस्तों, प्रसाद के तौर पर बन रहा है। पूरी तरह से लिट्टी छना जाने के बाद दोस्तों, और देखिए अभी छना ही रहा, बाकी ही है छनने के लिए, ये सारे का सारा प्रसाद में एक साथ हम रखा जाएगा और रखाने के बाद दोस्तों सारा का सारा प्रसाद का पूजा होगी। पूजा होने के बाद पहले सूरज भगवान का पूजा होने के बाद दोस्तों, और जो भी जितने भी लिट्टी छना रहा है दोस्तों, प्योर देसी घी में, जो घर का घी है उसी में लिट्टी छना रहा है दोस्तों, जो कि जितने भी प्रसाद बनता है दोस्तों, सब सारा का सारा घी में बन रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं, क्योंकि सारे लोग बिजी हैं प्रसाद बनाने में और हम भी इधर बिजी हैं वीडियो बनाने में, क्योंकि दोस्तों शाम ढलने वाला है और अभी 3:30 बज चुके हैं,
कुछ देरी में सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाएगा, और क्योंकि प्रसाद जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है, सारे लोग मिल करके प्रसाद बना रहे हैं। और देखिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों समय हो चुका है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए, और देखिए माता जी अभी चढ़ा रही है, जो कि व्रत की हुई है, दोनों व्रत की हुई है, और समय हो चुका है, 5 बजे जल चढ़ा रही है, क्योंकि कुछ देर में और शाम ढल जाएगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से 5 बजे जल चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य भगवान अस्त हो जाएंगे, इस वजह से पहले 5 बजे चढ़ा दिया जा रहा है जल। देखिए कैसे चढ़ाया जा रहा है जल जो सूर्य भगवान को, आप देख सकते हैं कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जल चढ़ाने के बाद दोस्तों देख सकते हैं, जो कि लोटा नीचे रख करके, जो तांबे का लोटा है, जो नीचे रख करके सूर्य भगवान को नमस्कार किया जा रहा है। और नमस्कार करने के बाद दोस्तों नीचे जाएगी, और नीचे जा करके दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूजा का भी समय हो चुका है, और यहाँ आशीर्वाद लेकर के सूर्य भगवान को नमस्कार कर करके जाएगी नीचे पूजा के लिए, क्योंकि इसलिए हम पूरी डिटेल में आप लोग को वीडियो बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक भी पार्ट मिस ना हो जाए, पूरी अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों नीचे आ गई है पूजा के लिए, क्योंकि पूजा का भी समय हो चुका है, आप देख सकते हैं कि सारे खीर वगैरह, खीर हो गया, फल फ्रूट वगैरह सारा का सारा चढ़ा दिया गया है भगवान जी पर एक लाइन में, और भगवान जी को स्थापित कर दिया गया है इस जगह पर। और देख सकते हैं थाली में दिया और अपने खाने के लिए प्रसाद लेकर के बैठी हुई है, क्योंकि समय हो चुका है, इस वजह से पूजा भी आरम्भ होने वाली है दोस्तों। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सजाया गया है प्रसाद को, और बीच में ठाकुर जी को रखा गया है, हम देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। पूजा भी आरंभ हो चुका है दोस्तों, जो कि देख सकते हैं कि माता जी पूजा कर रही है, छठी मैया के जितने भी फल फूल है और जितने भी प्रसाद बनाया गया है सबको एक साथ में लाइन में लगा कर रखा गया है, और बीच में ठाकुर जी को रख करके दिया दिखाया जा रहा है, और दिया दिखाने के बाद दोस्तों सभी देवी देवता को जा कर के दिया दिखाएँगे। उसके बाद देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं पीछे गीत भी गवा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि गांव के जितने भी महिला हैं उस सब आकर के गीत गा रही, छठी मैया का गीत गा रही है, आप सुन सकते हैं, क्योंकि कितनी अच्छी तरीका से सब लोग गीत गा रहे हैं। देखिए दिया जला के सारा का सारा दिया जलेगा दोस्तों, सभी देवी देवताओं जा कर के दीपक जलाया जाएगा, और जितने भी थाली में है दीपक जला रखा हुआ सारा का सारा देवी देवता के पास जा कर के दीप जलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आ कर के आरती किया जाएगा, क्योंकि पूजा संपन्न होने वाला है दोस्तों। और देखिए सारा का सारा भगवान जी के पास जा कर के आरती और घंटी बजा कर के पूजा किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों खाएंगे प्रसाद जो रखे थे थाली में, देखिए खरना हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले ये दोनों जो भी छठ व्रत कर रखे हैं वो पहले खाते हैं भगवान का प्रसाद भोग लगा करके, उसके बाद खुद खाते हैं दोस्तों प्रसाद, और इनके बाद उसके बाद लोगों को बांटने के लिए दोस्तों प्रसाद अलग से रखा हुआ रहता है, और ये जो जूठा बचा हुआ रहता है जो परिवार लोग खाते हैं एक साथ बैठ कर करके, क्योंकि सारे लोग को गाँव के प्रसाद चलाने बांटने के लिए अलग से व्यवस्था किया गया, वो भी पूजा हुई है दोस्तों, जो व्रत किए हुए हैं दोस्तों उनको खाते खाते सारे गांव वालों के लिए प्लेट सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना बल्क क्वांटिटी में प्रसाद के लिए प्लेट लगाया गया है, और प्रसाद डालकर प्लेट को एक जगह पर रखा हुआ है। और चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय छठी मैया।